हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ मेकअप प्रोडक्ट लेके आई हूँ। मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मिंत्रा से, अमेजोन से परचेज़ किए हैं। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड मैंने जो भी प्रोडक्ट्स बुलवाए होंगे, अगर आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। सो आपको कुछ बुलवाना हो सो आप भी ले सकते हैं, बिकॉज अभी अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में, नायका में, पर्पल में, गाइज हर जगह अभी ऑफर चल रहे हैं। सो अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर केयर, स्किन केयर या कुछ भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सो आप क्लॉथिंग वगैरह लेना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग, सो गाइज आप अभी ले सकते हैं, बिकॉज अभी भर भर के हर ब्रांड्स में, सभी जगह बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। एंड गाइज अभी आपको पता है कि आगे जाके अभी नवरात्र स्टार्ट हो गया है, सो अब एक के बाद सारे फेस्टिवल्स आएंगे, सो हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड्स होती है। सो गाइज मैंने आज यहाँ पे थोड़ा से, मतलब प्रोडक्ट हैं ये, मैंने मिंत्रा से बुलवाए हैं। सो मैं आपके साथ एक एक करके सभी कुछ शेयर कर रही हूँ, सो आप देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन है उसे ज़रूर हिट करिएगा, ताकि इन फ्यूचर में जो भी अच्छे अच्छे वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए एंड आप भी उससे नोटिफाइड रहें। एंड गाइस, मेरे जो वीडियोस हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। एंड गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए थैंक यू सो मच, एंड जिन्होंने नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मिंत्रा से ऑर्डर किया था, ये 8 दिन पहले सेल चल रही थी, उसमें सभी ब्रांड्स में 50% ऑफ था, मैंने तभी बुलवाया था। एंड गाइस, अभी जो मैंने जो प्राइस में बुलवाया वो शायद आपको उस प्राइस में मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, बिकॉज अभी यहाँ पे अच्छी खासी सेल चल रही है। सो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। मैं सभी के परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें एंड प्रोडक्ट की लिंक पे क्लिक करके आप एक बार ज़रूर देखें कि कितना ऑफ़र मिल रहा है आपको, क्या कितना परसेंट ऑफ मिल रहा है। सो इसमें से गाइस जितने भी मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, उसमें कुछ में 50%, कुछ में 40%, कुछ में 30%, इस टाइप से मिला, मतलब मुझे ऑफ़र मिला था, सो मैंने उसे परचेज़ किया है। सो चलिए, सबसे पहला मेरा ये प्रोडक्ट है, ये वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्रो किट है। एंड इसमें ये, मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। एंड गाइस, इसमें ये 3 कलर्स आते हैं, ये वाइट कलर एंड ये ब्राउन कलर एंड ये डार्क ब्राउन कलर। एंड गाइस, इसमें इस तरीके के ये टूल्स आते हैं, ये आपको अपने आईब्रो को सेव करने के लिए एक ब्रश देता है, ये एंगुलर ब्रश है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एंड गाइस, इसमें ये इस तरीके का एक आपको ये प्लकर दिया हुआ है, आप ताकि जो भी आपके एक्स्ट्रा हेयर्स हैं आईब्रो के, आप उससे इससे प्लग इन कर सकते हैं। सो गाइस, ये बहुत अच्छा पैलेट है इस तरीके का, इसमें सब कुछ है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इसे कैरी करके एंड आप इसे लेके जा सकते हैं। एंड ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है एंड ये बहुत हेल्पफुल होगा हम कहीं बाहर जा रहे हैं। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट है, ये गाइस मैंने, ये एले गर्ल का ब्लश ब्रॉन्जर एंड हाईलाइटर पैलेट है। एंड गाइस, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है इस तरीके का, इसमें ये प्लास्टिक का कुछ रैपर टाइप से रहता है। एंड गाइज, ये इसके शेड है। एंड गाइज, यहाँ पे आपको यह अच्छा खासा एक मिरर मिल जाता है, ताकि आप इसे देख सकें या इसके हेल्प से आप फेस में मेकअप कर सकें। एंड गाइज, इसमें ये 4 शेड जो दिए हैं, इसमें 4 टाइप के शेड हैं। फर्स्ट ये पिंक कलर है, डार्क पिंक नहीं है बट मीडियम पिंक है, आपको थोड़ा कैमरे में थोड़ा डार्क दिख रहा है। ये ब्राउन पीच कलर है गाइस, एंड ये ब्राउन कलर है एंड ये गोल्डन टच में है। सो मैं आपको थोड़ा सा स्वाइप करके दिखा देती हूँ। देख पा रहे होंगे गाइस आप, एकदम लाइट कलर है, ज़्यादा मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इसकी वो नहीं है, ब्रॉन्जिंग का कलर है। एंड आप देख पा रहे हैं
ये भी लाइट है एंड ये इसका हाइलाइटर है गाइस। गाइस इसका हाइलाइटर बॉम है, मुझे बहुत पसंद आया। इसमें हल्की सी गोल्डन सी शीन है जो बहुत अच्छी लगती है। एंड ये गाइस मीडियम स्किन टोन वालों के लिए, इसमें दो शेड आते हैं आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड। सो गाइस ये जो मेरा पैलेट का शेड है वो सेकंड है, ये इसमें दिया हुआ है ये सेकंड नंबर। सो गाइस ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आप अलग से ब्रॉन्जर हाइलाइटर ब्लश आप नहीं रख सकते, बिकॉज हम ट्रैवलिंग करने जाते तो हम चाहते कम से कम प्रोडक्ट लेके जाएं हैं, हमारे लिए वो हेल्पफुल रहे। सो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। इन गाइस ये बहुत अच्छा है। इन गाइस जो भी मैंने सारे प्रोडक्ट खरीदे हैं, मैं आप ये सारे प्रोडक्ट से एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो गाइस नेक्स्ट मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन बुलवाया है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एंड गाइस इसमें मेरी जो फाउंडेशन का शेड है वो क्लासी बेज है, बट गाइस ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है। मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, सो ऑनलाइन परचेज अगर हम फाउंडेशन ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो हमें थोड़ा सा शेड का ध्यान रखना होता है। अगर राइट शेड आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बट मैंने इसे अप्लाई किया था मेरे एक वीडियो में, आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ जल्दी से जाके देखें। सो मैंने उस वीडियो में इसे गाइस अप्लाई किया था। सो फर्स्टली तो मुझे जब मैं अप्लाई कर रही थी तो ये मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था, बट थोड़ी देर के बाद सेट होने के बाद गाइस वो बहुत अच्छे तरीके से मेरे फेस में इवन हो गया था, मतलब मेरी स्किन टोन में आ गया था। सो ऑल ओवर मुझे ये अच्छा ही लगा। एंड गाइस इसकी जो भी प्राइस वगैरह है सब कुछ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड इसकी लिंक भी दे दूँगी। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा, एंड ये गाइस फुल कवरेज नहीं है, मीडियम कवरेज है एंड एवरीडे काइंड ऑफ अगर आप कहीं जा रहे हैं सो इसके लिए बहुत अच्छा है। सो गाइस ये मेरा नेक्स्ट था। एंड गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये है मेबलिन का हाइपर कर्ल आई मस्कारा है गाइस ये, एंड ये वॉशेबल है। एंड गाइस आप लोग जानते होंगे आई थिंक कि इसके जो मेबलिन के मस्कारा होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे। मेरे पास इसके अलावा एक और है ये वाला गाइस, ये वाटरप्रूफ है, ये भी मेबलिन का क्लॉसल मस्कारा है, वो हाइपर वॉल्यूम वाला है। एंड गाइस ये जो मस्कारा है ये वाटरप्रूफ है। सो गाइस इसे हम मेकअप रिमूवर की हेल्प से भी हटाते तो ये हटता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे। सो इसीलिए मैंने गाइस ये वॉशेबल बुलवाया है। एंड गाइस ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अभी मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती जब तक मैं इसे ट्राई ना कर लूँ। एंड गाइस इसका वॉन्ड इस टाइप से है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐसा कर्वी टाइप से। सो मैं इसे भी आपको यूज़ करके बताऊँगी। सो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है, ये मैंने वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक लिया है। एंड गाइस इसमें मेरा शेड जो है E922B वो कोरल क्रिप्शंस है। एंड गाइस इसका भी मैं आपको, इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना था, मैं आपको इसको हल्का सा स्वाइप करके दिखाती हूँ। ये हल्का सा पीची पिंक कलर का है। सो गाइस ये इसका कलर है, ये फेयर जिनका फेयर स्किन टोन है उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, यानी ये मीडियम में भी अच्छा लगेगा। सो गाइज अभी तक मैंने इसे ट्राई नहीं किया, मैं किसी मेकअप लुक में आपको इसे ज़रूर ट्राई करके दिखाऊंगी। एंड गाइज इस लिपस्टिक के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। एंड गाइज नेक्स्ट मैंने ये मेबलिन का न्यूयॉर्क फिट मी का मैट नॉर्मल टू ऑयल स्किन वालों के लिए है, ये मैंने कॉम्पैक्ट लिया है। एंड गाइज इसमें मेरा शेड 220 नेचुरल बेस है, ये मेरा शेड है। एंड गाइज इसमें ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। एंड गाइज इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये इस टाइप का आपको प्रोडक्ट दिखता है, ये इस टाइप की आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड इसमें आप देख सकते हैं 29 ग्राम 8.5 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। एंड ये भी मुझे अच्छा लगा गाइज, मतलब आपको एक थोड़ा सा लिटिल कवरेज देगा ये कॉम्पैक्ट, अगर आप सिर्फ कॉम्पैक्ट लगा के जा रहे हैं कहीं
सो इसके लिए ये बेस्ट है आई थिंक। अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया बट मैं इसे आपको ट्राई करके ज़रूर बताऊंगी गाइस। एंड गाइस नेक्स्ट मेरी ये लिपस्टिक है, ये PSC की लिपस्टिक है, रेट्रो मैट ग्लॉस ये लिपस्टिक है। एंड इसमें मेरा शेड जो है आई थिंक शेड कहाँ दिया है, 31 शेड है, पापा राजी नाम से इसका शेड है आई थिंक 31 इसका जो शेड नंबर है। एंड इसकी आउटर पैकेजिंग है, एंड इनर पैकेजिंग मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सो गाइस ये इसकी इनर पैकेजिंग है, ये बहुत प्यारी लगती है। ये रेड मीन्स जो भी आपका जो कलर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड जो ये यहाँ पे एकदम शाइनी ब्लैक कलर की इसकी पैकेजिंग है, एंड इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगती है गाइस। एंड गाइस इसकी जो लिपस्टिक है वो भी बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल भी आपके लिप्स में ड्राई नहीं करेगी। बाकी अदर जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई करती हैं, इससे पहले हमें अच्छे से भर भर के लिप बाम वगैरह यूज़ करना होता है। बट ये बहुत प्यारी है लिक्विड लिपस्टिक, आप इसे थोड़ा सा बिल्ड भी कर सकते हैं। बस ये जो लिपस्टिक है थोड़ी सी मतलब हल्की सी लाइट वेटेड है, इसकी वजह से शायद ये एकदम बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम में या फर्स्ट स्वाइप में बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देती, बट इतना देती है कि आप आराम से कैरी कर सकते हैं। सो मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ, बहुत प्यारा रेड कलर है गाइस, थोड़ा सा पिंकिश रेड कलर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत प्यारा लगता है। सो गाइस आप ये वाली लिपस्टिक भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। एंड गाइस इसमें आपको कभी ऑफ़र नहीं मिलेगा, बट मुझे इसमें ऑफ़र मिला था, ये मुझे 471 कुछ में मिली है। सो ये भी बहुत प्यारी लिपस्टिक है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। एंड गाइस ये मैंने नेक्स्ट ये पलाडियो की लिपस्टिक ली है, एंड इसमें भी ये लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, पलाडियो ब्रांड भी बहुत अच्छा होता है। एंड गाइस इसमें मेरा जो शेड है इसमें शेड नहीं दिया गाइस, पन्नी PANNE पन्नी ऐसा कुछ शायद शेड नेम दिया हुआ है, आई डोंट नो मैं गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी तो। एंड गाइस ये भी रेड कलर है, एंड ये थोड़ा सा मरूनिश रेड कलर है गाइस, देखिए आई थिंक दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं बट कैमरे में लग रहे हैं, बट ये थोड़ा सा मरूनिश रेड कलर है, एंड ये भी बहुत प्यारा है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट मेरे पास ये है, एंड गाइस नेक्स्ट जो है वो ये मेबलिन का जेल लाइनर है, इसकी आउटर पैकेजिंग मैंने फेंक दी। सो ये मेरा मेबलिन का जेल आईलाइनर है, एंड इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। इसमें मेरा शेड 01 ब्लैक है, एंड ये इस तरीके की छोटी सी डिब्बी में आती है, एंड ये इसका प्रोडक्ट है, एकदम ब्लैक कलर है। एंड ये वाटर प्रूफ स्मज प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग है, एंड आपको इस तरीके का इसमें ये ब्रश मिलता है ताकि आप अच्छे से अपने लाइनर को ड्रॉ करें। सो नेक्स्ट मेरे पास ये प्रोडक्ट है। एंड गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैंने अमेजोन से बुलवाया था, सो मैंने सोचा कि मैं आपको इसी हॉल में दिखा दूँ। सो गाइस ये मैंने फेक लेसेस जो हैं ये अमेजोन से बुलवाई थी 122 की, एंड इसमें गाइस 5 पेयर मिलेंगे, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये नेचुरल हेयर्स तो नहीं है गाइस, प्लास्टिक टाइप से मुझे लग रहे हैं, बट जो इनकी क्वालिटी है ना वो मुझे अच्छी लगी, मतलब देखने से तो मुझे अच्छी लग रही है, बट मैं आपको एक बार अप्लाई करूँगी देन उसके बाद ही अच्छे से बता पाऊँगी। सो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस, अगर आप कभी मेकअप कर रहे हैं सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो आप 5 पेयर का ये बुलवा सकते हैं, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट मेरे पास ये प्रोडक्ट है। आज का ये हॉल था, मैंने जितने भी प्रोडक्ट बुलवाया था मैंने आप सभी के साथ सारे प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं, इसमें से आपके लिए जो भी हेल्पफुल हो या जो भी आपको पसंद आया हो आप इसे परचेज कर सकते हैं। एंड मैं सारे ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं गाइस इससे एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी तो आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। सो इसके सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं गाइस, एंड अभी हर ब्रांड में ऑफर चल रहा है सो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।